वो उनको 90,000 तक हम लोग पे आउट देते हैं, 90,000 मंथली, और 90,000 मंथली कमा रहे हैं, मंथली कमा रहे हैं। आज के इस वीडियो में आपको एक नए बिजनेस मॉडल के बारे में बताने वाले हैं। आपने अभी तक देखा होगा एटीएम से पैसे निकाले जाते हैं। मैं आज के इस वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया पे बात करने वाला हूँ कि एटीएम से पैसे बनाए कैसे जाते हैं, एक एटीएम लगा के आप पैसे कमा कैसे सकते हैं, पूरा डिटेल बात करेंगे। आप ये देख रहे हैं हिटाची कंपनी की ये एटीएम है, और पूरा जैसे सारे एटीएम होते हैं उसी तरह का एटीएम है, सारा मॉडल आप देख सकते हैं। और सभी तरह के एटीएम कार्ड यहाँ पे एक्सेप्ट किए जाते हैं, कोई भी किसी तरह का भी एटीएम लेकर आएगा यहाँ से पैसे निकाल सकता है। ये चीजें तो सारे लोग समझ रहे हैं, इससे पैसे कैसे कमा सकते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एक बार अपना परिचय दीजिए, उसके बाद हम लोग बातचीत शुरू करें। और मैं हिटाची का मास्टर फ्रेंचाइजी हूँ जी, लगभग 100+ एटीएम मैं हैंडल करता हूँ। ठीक है, अभी हम लोग इसमें एक कंसेप्ट है हमारा, कंसेप्ट है कि पार्टनरशिप, कंपनी के साथ पार्टनर, एज ए पार्टनर चलाते हैं हम लोग, एज ए फ्रेंचाइजी चलाते हैं, जहाँ पे कंपनी का कंसेप्ट ये है, कंपनी आपको सारा सेटअप रेडी करके देगी। ठीक है, इसमें सपोर्ट सारा हमारा होगा, जैसे मशीन में कुछ भी टेक्निकल इशू आया वो कंपनी देखेगी, मेरा सेटअप जो आप देख रहे हैं, जैसे आप एटीएम देख लीजिए, पूरा ब्रांडिंग देख लीजिए, शीशे का डोर देख लीजिए, आपको और भी कुछ चीजें दिखाते हैं, जैसे आप देख लीजिए ये यूपीएस वीसेट बैटरी देखिए लगा हुआ, जिसमें हम लोग 8 घंटे का मिनिमम बैकअप देते हैं, सारा एसेट्स हम लोग देते इसमें आपको, मतलब कुछ भी, जैसे सारे एटीएम होते हैं, ऐसे ही सारे एटीएम होते हैं, बिल्कुल से कुछ भी इशू आ जाए ये सारी रिस्पांसिबिलिटी कंपनी की होती है। ठीक है, हिटाची कंपनी है, हिटाची बहुत बड़ी कंपनी है, सारे लोग नाम जानते होंगे, नाम से वाकिफ होंगे। अब इसमें एज ए फ्रेंचाइजी जो रोल होता है फ्रेंचाइजी का, उसमें ये है फ्रेंचाइजी का रोल कि कैश आपको डालना होगा और कैश आपका होगा, जितनी ट्रांजेक्शन होगी पर ट्रांजेक्शन हम लोग कमीशन देंगे। अच्छा, पर ट्रांजेक्शन जितना भी कितना कम निकाले या ज्यादा निकाले, चाहे वो 100 रुपए की ट्रांजेक्शन हो या एज पर आरबीआई गाइडलाइंस वो 10,000 की ट्रांजेक्शन हो, पर ट्रांजेक्शन कमीशन। अब इसमें सबसे बड़ा ये है कि देखिए, कुछ एक रिस्पांसिबिलिटी है, कुछ एक लायबिलिटी है, कुछ एक प्रॉफिट है। तो सबसे पहले जो बताया कि रिस्पांसिबिलिटी इसमें हमारी क्या है, एसेट्स की हमारी है, मतलब आप लोग एटीएम लगा देते हैं, सारी जिम्मेवारी लगाने वाले की होती है, चलाना इसको, कैश डालना, ऑपरेट करना, कुछ फंसा बिगड़ा तो वही देखेगा। हाँ, वो हम लोग देखेंगे, आप लोग देखेंगे, कंपनी देखेगी, हम लोग देखेंगे। जैसे लेट सपोज इसका डिस्प्ले खराब हो गया, कीपैड खराब हो गया, मिसहैंडलिंग नहीं होना चाहिए, सब चीजें कंपनी देखेगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इन्वेस्टमेंट का, इन्वेस्टमेंट क्या है। इन्वेस्टमेंट जो आता है इसमें अलग अलग प्लान है, बट जनरली हम लोग जो पिच करते हैं किसी भी फ्रेंचाइजी को, जिससे ज़्यादा वो लोग कंफर्टेबल होते हैं आज के डेट में, वो हम लोग का एक प्लान है जिसमें टोटल इन्वेस्टमेंट आती है उनकी 1,34,000 की। 1,34,000 पूरा सेट लगाने का, पूरा सेटअप लगा, मतलब अगर हम लगवाना चाहते हैं अपने गांव पे, अपने नियरेस्ट मार्केट में, तो 1,34,000 हमें कंपनी को पे करना, कंपनी को देना पड़ेगा, उसमें से 75,000 रुपया रिफंडेबल होता है, रिफंडेबल मतलब जब मेरा मूड करे कि हमको अब बंद करना है। हाँ, कि हमें कुछ क्लॉज है, जैसे अगर आप एटीएम को 1 साल का मिनिमम लॉकिंग पीरियड होता है, 1 साल बाद अगर बंद करते हैं तो जो भी हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है वो काट के आपका रिफंडेबल अमाउंट आपको वापस हो जाए, मिनिमम 1 साल का हमारा लॉकिंग पीरियड होता है, और 75,000 रिफंडेबल प्लस 50,000 और 9,000 जीएसटी, ये नॉन रिफंडेबल होता है, आप 59,000 रुपये मान के चलिए नॉन रिफंडेबल होता है ये। आप जब हम लोग एटीएम लगाते हैं तो ओवरऑल हम लोग को जो एक्सपेंस यहाँ पे आता है वो 1 लाख का आसपास आता है, जैसे इसमें हो गया ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इंश्योरेंस हो गई जो सारा सेटअप है उसका, उसके बाद आप देख रहे हैं ब्रांडिंग, डोर ग्लास, ये सारा जो देख रहे हैं सेटअप में, तो हम लोग ये एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि एटलीस्ट ट्रांसपोर्टेशन ही हम लोग का 35,000 से 40,000 का आता है, मतलब जो खर्चे हैं उसको छाट के बाकी पैसे रिफंड हो जाते हैं। हाँ, हम लोग रिफंड पे बात ही क्यों करें, अगर इससे पैसे कैसे कमाएं, पैसे कैसे, बस एक नॉर्मल सी बात आप ये समझ लीजिए, 1,34,000 की पूरी सेटअप है, अगर बाय द वे किसी कारणवश आपको प्रॉफिट नहीं लग रहा है या नहीं चलाने की इच्छा है तो आप उसे कितना रिटर्न कार्ड के रिटर्न करेंगे, 75,000 रिफंडेबल होता है, 1 ईयर का लॉकिंग पीरियड है। लॉकिंग पीरियड मतलब मिनिमम 1 साल आपको एटीएम चलाना है। 1 साल बाद आप जब इसको सिलेंडर करते हैं तो आपको जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आता है हमारा 35,000 रुपए, 30,000 प्लस जीएसटी, वो काट के आपको रिफंड कर दिया कंपनी।
अब बात करते हैं, ये हुआ हमारा इन्वेस्टमेंट। अब बात करते हैं इसमें प्रॉफिट पे। देखिए, चूंकि ये पार्टनरशिप मॉडल है, नॉर्मली ये ट्रांजेक्शन होगा तो आपको प्रॉफिट और हमें प्रॉफिट है। अभी ये देखिए कितना छोटा सा मार्केट है, बट यहाँ अप्रोक्स 3000 प्लस ट्रांजेक्शन। एरिया हम लोग वो सेलेक्ट करते हैं जहाँ पे कम से कम मिनिमम 3000 ट्रांजेक्शन हो। यहाँ पे कितना हो जाता होगा ट्रांजेक्शन? ये छोटा सा मार्केट है मुजफ्फरपुर जिले का, जजवार गाँव है, और यहाँ पे कितना ट्रांजेक्शन हो जाता है? लगभग यहाँ पे 3500-4000 ट्रांजेक्शन पर डे। नहीं, महीने का, मंथ महीने का। हाँ, 3500-4000 मतलब ट्रांजेक्शन है यहाँ पे। बहुत एकदम मार्केट आप देखेंगे, छोटा सा मार्केट है। कितना अर्निंग हो जाता होगा ये बात? यहाँ पे 3500-4000 रुपये का अर्निंग है। 40,000 रुपये? हाँ, कहीं एक ATM लगा के मैक्सिमम कितना कमाया जा सकता है? मैक्सिमम ये डिपेंड करता है आपकी ट्रांजेक्शन कैसे है। बहुत सारे हमारे ऐसे फ्रेंचाइजी हैं, आपके क्लाइंट में मेरे कितने मेरे कमा रहे हैं? हाईएस्ट कमाते हैं वो, उनको 90,000 तक हम लोग पे आउट देते हैं। 90,000 मंथली? अगर 134,000 उन्होंने लगाया होगा और 90,000 मंथली कमा रहे हैं। अब इस ATM की बात करें तो यहाँ से 35,000-40,000 की कमाई है एकदम स्टार्टिंग के। 700 ट्रांजेक्शन तक 4 रुपये देते हैं पर ट्रांजेक्शन, चाहे वो 100 रुपये की हो या वो ट्रांजेक्शन 10,000 की हो। उसके ऊपर जाइए तो 700 से 1,000 ट्रांजेक्शन तक का स्लैब बटा हुआ। मतलब मैक्सिमम कमीशन कितना है? 10.5 रुपये मैक्सिमम कमीशन। मिनिमम कैश पे देते हैं, मैक्सिमम कैश पे देते हैं 10.5 रुपये पर ट्रांजेक्शन। और दूसरी कमाई भी होते हैं यहाँ से नॉन कैश की, जैसे किसी ने मिनी स्टेटमेंट निकाला, पिन चेंज किया, कुछ भी किया तो उस पे 2 रुपये ट्रांजेक्शन, उसका भी सर्विस मैक्सिमम 2 रुपये उसमें जाता है और 10.5 रुपये कैश पे जाता है। तो ये कमाई, अगर आप ये खर्चे इसमें क्या है? खर्चे जैसे ये बिजली बिल हुआ, रूम रेंट हुआ, इसमें एज आप ये देखिए तो अगर हम लोग 10 रुपये पकड़े या 9 रुपये आप एवरेज पकड़ लीजिए तो अगर 100 ट्रांजेक्शन हुई तो 27,000 रुपये बन गया। 27,000 रुपये महीने का वजह। इसमें फ्रेंचाइजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इलेक्ट्रिसिटी बिल, और हम लोग प्रिफर करते हैं कि जिनका ये शॉप हो, शॉप ओनर हो, वही लगाते हैं। अच्छा, तो एरिया कितना चाहिए इसके लिए? एरिया जो हमें चाहिए होता है, एक बार थोड़ा सा बाहर से दिखाओ एरिया इसका बाहर। जैसे देखिए आप ये जो देख रहे हैं ना, ये हम लोग पूरी दुकान में ब्रांडिंग कर रखे हैं। एक ऑप्शन है हमारे पास वैसे लोगों के लिए जिनके पास किसी अपने दुकान में कोई CSP चला रहे हो या कोई और दुकान कर रहे हो, उसी दुकान में अगर वो लगाना चाहते हैं तो हम लोग उस शॉप में पार्टीशन करके लगा देते हैं। वो ये सेटअप नहीं है। मिनिमम एरिया कितना चाहिए? मिनिमम एरिया हमें 35 स्क्वायर फीट चाहिए। 35 स्क्वायर फीट में हम लोग लगा देंगे शॉप एंड शॉप मॉडल। मतलब ATM का जो साइज होता है आपने देखा होगा, जो ये जो लगा हुआ है, अगर हमें पूरी दुकान देंगे ना उसमें हमें लगभग 50 से 60 स्क्वायर फीट चाहिए। तो अगर मान लीजिए कोई रेंट पे लेता है, रेंट जो लगाएगा उसको पे करना होगा, बिजली बिल जो लगाएगा उसको पे करना पड़ेगा। आपकी कंपनी की तरफ से कि बस सेटअप क्या आप लोग कमीशन दे देते हैं? कमीशन सेटअप दिया और कमीशन दिया। बाकी चीजें इसमें जो कुछ खराबी हुई सारा चीज हम लोग बनाने देखेगी फ्रेंचाइजी के सेटअप नहीं है। बाय द वे इसमें कैश जो डालेंगे हम डालेंगे, जो मतलब जो लगाएगा। बाय द वे चोरी होती है अगर कोई, जैसे बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी हैं बिहार में, तो अगर उस तरह की कुछ होती है तो ये मशीन इंश्योर्ड होता है। इसमें किसी भी तरीके की मिसहैपनिंग होती है, अगर चोरी हो गई तो आपके जितने भी पैसे होते हैं वो सिक्योर होते हैं। मतलब मैंने 3-4 लाख रुपए इसमें रखा, वो चोराया ले गया, हाँ वो सिक्योर होगा। हाँ, वो कंपनी देगी आपको। अच्छा, कंपनी देगी, मेरा नहीं जाएगा, आपकी नहीं जाएगी, वो इंश्योरेंस कंपनी देगी। अच्छा, इसमें देखिए सीसीटीवी कैमरा भी होगा? हाँ, सीसीटीवी कैमरा लगाएगा, वो भी लगाएगा। नहीं, कंपनी भी सीसीटीवी कैमरा लगाएगा। 1,34,000 जो आपने बताया उसी में इंक्लूड है, उसी में आपका सारा सेटअप इंक्लूड है। आप एडिशनल कैमरा चाहते हैं तो आप लगवा सकते हैं, जैसे इन्होंने एडिशनल कैमरा लगवा रखा है। अच्छा, इसमें एक सबसे अच्छी बात यह है कि आप देखो यहाँ पे परमानेंट आपको दुकान चलाने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने सिंपल सा मॉर्निंग में, इवनिंग में आपने 10 मिनट के लिए कैश लोड करने में मैक्सिमम 10 मिनट की टाइमिंग होती है, लोड कर दिया, दिन भर आपके एम्प्लॉय एक बैठा हुआ है जो काम करेगा। कुछ अच्छा, एक गार्ड भी रखना होगा यहाँ? क्या जरूरत है? गार्ड की कोई जरूरत नहीं है। एसी वगैरह? देखिए, हम लोग एसी की कोई खास यहाँ पे रिक्वायरमेंट है नहीं। इसमें एसी नहीं लगा हुआ है, अंदर दिखाएं एक छोटा सा पंखा लगा हुआ है मशीन को ठंडा करने के लिए। मशीन को ठंडा करने के लिए डाल रखा है। हाँ, ऊपर में पंखा है। तो बाकी दिक्कतें क्या आती है इसमें? कोई दिक्कतें इसमें नहीं आती है, स्मूथ चलेगा। जैसे कि मैंने बताया ना आपको कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 10 मिनट मॉर्निंग में कैश डाल देना है, बाकी हम लोग एक ऐप देते हैं
जो आपका एक ऐप क्रिएट हो जाएगा उससे आप ट्रैकिंग कर सकते हैं कि कितना कैश है, क्या है, नहीं है, कितना रह गया, कितना एप्लीकेशन पे देख सकते हैं। हाँ हाँ, ये एप्लीकेशन हम लोग का चलता है। अच्छा, जो मेन जरूरी बात, वो एप्लीकेशन लोग इंस्टॉल करेंगे, अपना लॉगिन पासवर्ड होगा, वो देख लेंगे, वो कंपनी मेन जो मुद्दे की बात हम आपसे ये जानना चाहेंगे, हिटाची कंपनी है, आप पे कोई क्यों ट्रस्ट करे? ट्रस्ट करने का फैक्टर ये है कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, आप बताए कि क्या ऐसा किया जाए कि आपको ट्रस्ट फैक्टर लगे। हाँ, जैसे एटीएम, जैसे बहुत सारे हम इसलिए पूछ रहे हैं, बड़े बड़े कंपनियों के नाम पे, जियो के नाम पे, एयरटेल के नाम पे टावर लगाने का बहुत सारा फ्रॉड हुआ बिहार में, तो एटीएम लगाने का भी लोगों के दिमाग में ये आ सकता है, कैसे लोग आपसे संपर्क करें, कैसे लोग आपको कैश देंगे? एक तो मैं आपको कैश, कोई भी, सबसे पहली बात है कि इसमें एक रुपए किसी को कैश ना देना है, ना कुछ देना है, जो भी आपको पेमेंट जो इन्वेस्ट करेगा वो कंपनी के अकाउंट में करनी है। सबसे पहले हम लोग साइट पे जाएंगे, जहाँ पे भी आपका लोकेशन है, लोकेशन लेंगे, साइट पे जाएंगे, फोटोग्राफ डालेंगे, अप्रूवल लेटर आएगा, उसके बाद कंपनी के अकाउंट में सिक्योरिटी अमाउंट डालनी है, किसी को कैश देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपका प्रॉपर अप्रूवल लेटर आएगा। पैसा पहले देना होगा? हाँ, पैसा आपको पहले देना पड़ेगा। कितने दिनों में लग जाता है? ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना कैश लाइफ जाने तक का, ये प्रोसेस है आपका 30 डेज का, 30 दिनों के अंदर अगर हम आज इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये सेटअप रेडी रहेगा। इसके अलावा और भी एसेट्स जो हमने लगा रखा है, जैसे वीसेट वगैरह लगा रखा है, छतरी वगैरह वो छत पे लगा रखा है, तो ये सारा इंस्टॉलेशन, सारा जो देख रहे हैं वायरिंग से लेके, इवन इसमें जो पेपर रोल यूज होता है ना, वो तक हम लोग देते हैं। अच्छा, खत्म हुआ तो फिर आप लोग प्रोवाइड? हम लोग देंगे, आपको कुछ भी परचेज नहीं करना है, जितना भी कंज्यूमर समा रहे वो सारा का सारा हम लोग देंगे। अच्छा, जो हमारे, हमें प्रॉफिट होगा वो कैसे हमारे पास आएगा? देखिए, वो एक सिंपल सा कैलकुलेशन है, 1 तारीख से 30 तारीख के बीच में जितनी ट्रांजेक्शन हुई है आपकी, 3,000, 4,000, 5,000, उसका एक पे आउट बना के, जितना हर महीने 10 से 15 हमारा पे आउट टाइम होता है, आपके अकाउंट में आ जाएगा। अब जैसे एक हमारे फ्रेंचाइजी हैं जो यहाँ पे चलाते हैं एटीएम, तो मैं उनको भी बुला देता हूँ कि कैसे उन लोगों ने हमें अप्रोच किया। आइए, नितिन जी हैं ये जो यहाँ पे एटीएम रन करते हैं, बहुत ही यंग है। आप कितना कमा लेते हैं यहाँ से? लगभग महीने का 34 से 35 हज़ार रुपये आ जाता है। ऐसा मार्केट है, इससे अच्छा बड़ा भी मार्केट है, जिससे बगल में भी हमारा दूसरा एटीएम चल रहा है, बस इसके नेक्स्ट मंथ मैंने दूसरा एटीएम लिया, बेटर सर्विस देके हिताची का। और इसमें क्या है कि आम आदमी को पैसा कमाने का एक सरल तरीका है, 2 से 3 घंटे काम करना है, और उसके बाद 30 काम क्या मतलब पैसे लोड करना है, और कोई दूसरा काम है नहीं। कितना पर डे इसमें कितना लोड करते हैं? पर डे आप एक अप्रोक्स मानो तो 5 लाख रुपए पर डे का इसका खर्च है। 5 लाख रुपए अगर आज डालूंगा तो शाम तक 5 लाख। मिनिमम कितना लोड करना होता है? देखिए, मिनिमम आप चाहे तो 100 रुपए भी लोड कर सकते हैं, वो आपकी मशीन है। पैसे कमाने के लिए ये कंसेप्ट जो हमारा है वो ऐसा है कि हमने मशीन आपको दे दिया, अब ये मशीन आपकी है, कैसे रन करना है वो एक फ्रेंचाइजी पे डिपेंड करता है। इसमें आप 100 रुपए भी लोड कर सकते हैं, आप जितना पैसा रखेंगे, जितना आपका मतलब 1,34,000 आप ये सेटअप का इन्वेस्टमेंट है। हाँ, और 2-3 लाख रुपए हैंड में चाहिए, 2-3 लाख रुपए इवन हम लोग फंडिंग भी करते हैं। आपको अच्छी बात बताऊं कि जो ऐसे फ्रेंचाइजी हैं जो लगाना चाहते हैं, 6 महीने पुराना अगर हमारा कोई एटीएम है और वो ठीक है, तो कंपनी फंडिंग भी देती है। कितना तक उसमें फंडिंग देती है? जितनी आपका डिस्टेंस है उसका 50% तक फंडिंग भी देती है, मगर वो 6 महीने बाद। और हम लोग इवेल्युएट करते हैं कि अभी जैसे नितिन जी को हमने 4 लाख रुपए की फंडिंग दिलवाई, अच्छा, तो इवेल्युएट करने के बाद कि कैसा फ्रेंचाइजी है, कैसा हमारा एटीएम चल रहा है, उसके बाद कंपनी फंडिंग भी करती है। यहीं से इन्होंने पहले एटीएम ये लगाया, जस्ट यहाँ से 4 किलोमीटर बाद एक परसौल बाजार है, वो भी एटीएम वहाँ लगाया, यहाँ से भी अच्छी ट्रांजेक्शन है। ये कब से काम कर रही है हिटाची इस फील्ड में? हिटाची मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ना, बैंकों के बारे में तो लोगों को पता है, लोगों के दिमाग में ये आएगा जो पहली बार वीडियो को देखेंगे, आप पहली बार हिटाची को देख रहे होंगे, भाई हिटाची तो बैंक नहीं है, फिर वो एटीएम में कैसे इन्वॉल्व है? देखिए, यहाँ देखिए, ऑथराइजेशन लेटर है आरबीआई जो हमारे हर एटीएम में लगा रहता है। 2017 अधिनियम, ये एक्ट, ये जो है, ये सब एटीएम जहाँ पे आप मेरे एटीएम में जाइएगा वो आपको इसमें लगा हुआ, दिनांक 30 जनवरी 2015 को आपके सवाल का है, मुंबई में प्रदान किया गया ये हिटाची को आरबीआई ने लाइसेंस प्रदान किया गया। देखिए, इस तरह की बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं, एक वन इंडिया करके एक कंपनी है, या इंडिकेस, टाटा इंडिकेस है, हिटाची है, इस तरह की बहुत सारी कंपनियां जो फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करती हैं, तो इस फील्ड में ये नया नहीं है भाई, बैंक के साथ साथ बहुत सारी कंपनियां भी आ चुकी हैं। हिटाची का फ्रेंचाइजी कैसे लें, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे एटीएम लगा सकते हैं। आपका ऑफिस कहाँ पे है, कैसे लोग आपसे संपर्क करें? देखिए, मेरा ऑफिस पटना में है, ठीक है,
और मैं आपके व्यूअर को नंबर दे देता हूँ अपना, मैं स्क्रीन पे, हाँ मैं स्क्रीन पे नंबर दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दे दूंगा, आप सीधे उस पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। अच्छा, गूगल फॉर्म का लिंक भी मैं दे दूंगा आपको, जो फॉर्म इंक्वायरी फॉर्म आप फिल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। हाँ, उनसे हम लोग कुछ एक बेसिक डिटेल्स लेंगे, बेसिक डिटेल्स, लोकेशन कैसा है, एक दो मिनट का वीडियो लेंगे, जो हमारा प्रोसेस है वो करेंगे। अच्छा, आपका क्या रूल है, जैसे आपका यहाँ पे लग गया, आप कितने दूरी तक नहीं लगा सकते? देखिए, हमारा एक रूल्स है कि 500 मीटर्स के विदिन 500 मीटर्स में नहीं लगा सकते एटीएम, चाहे वो हमारा या तो अपना बैंक का एटीएम हो, जैसे एक्सिस भी देखते हैं हिटैची बहुत जगह रन करता है, तो अगर हमारा वो एटीएम हो या वाइट लेवल एटीएम इसको कहते हैं जनरली, तो आपका इस एटीएम का विदिन 500 मीटर में हम लोग दूसरा एटीएम डिप्लॉय किसी अदर बैंक के एटीएम उसके पास लगा सकते हैं। हाँ, लगा सकते हैं, हिटैची द्वारा ऑपरेट किया गया वो एटीएम नाम है। हाँ, वो आप लोग जांच, जब इंक्वायरी आता है तो आप लोग जांच कर लेते हैं। हाँ, वो हम लोग लोकेशन के बारे में। बिल्कुल, चलिए, काफी अच्छा लगा ये प्लान देख के भाई, इसमें कोई मेहनत ही नहीं है। आपको अगर मान लीजिए कहीं दुकान शॉप ऑनर है जो कैश है उसमें लोड किया, फिर अपना शॉप पे चलेगा, फिर शाम को एक बार रिपोर्ट देख लिए। सिस्टम इसमें यही है कि आपने लेट सपोज इसमें 5 लाख रुपए डाला या 2 लाख रुपए डाला, 2 लाख रुपए डाला, उसमें से 1,50,000 या 2 लाख पूरे जितना डिस्पेंस हुआ, अगले दिन जो भी आपके बैंक अकाउंट होगा उसमें आपका क्रेडिट हो जाएगा, आपको बैंक से निकाल के लाना है और यहाँ पे डालना है कैश। सिंपल सा ये प्रोसेस है। थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए, आप हिटैची से कौन हुए? देखिए, मेरा नाम पवन है, मैं 2017 से हिटैची कंपनी से जुड़ा हुआ हूँ और मैं पैन इंडिया में मास्टर फ्रेंचाइजी हूँ कंपनी का, पैन इंडिया काम करता हूँ, पंजाब से लेके आपको राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और बिहार, झारखंड तो पूर्व लोकेशन, मतलब ये लगवाने से लेके देखभाल तक जिम्मेदारी आपकी होती है, सर्विस तक जब तक फ्रेंचाइजी है मेरे पास उस रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होती है। ठीक है, आप लोकल में कहते हैं जैसे एक डिस्ट्रीब्यूटर, आप डिस्ट्रीब्यूटर समझ लिया, मास्टर फ्रेंचाइजी हम लोग इसको कहते हैं, तो मैं एक मास्टर फ्रेंचाइजी हूँ जिसके अंदर मैं अपने फ्रेंचाइजी बनाऊँ और उनको मैं हिटैची के साथ एग्रीमेंट करा के और ये सारी सर्विसेज मैं दिलवा। चलिए, काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलके, मैं चाहूँगा कि जो हमारे व्यूअर हैं उनको पूरा सपोर्ट करें आप, बिल्कुल, और किसी के साथ कुछ फ्रॉड ना हो। ना आप फ्रॉड इसलिए मैंने आपको साइट पे लेके आया, इसी चीज़ को हम लोग चाहते हैं तो ऑफिस में बैठ के दिखा सकते थे कि एक्चुअल चीज़ें क्या है, लोग वीडियो में बता देते हैं मगर वो दिखाते नहीं है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि कुछ भी पेमेंट आपको किसी के पर्सनल अकाउंट में या किसी के हैंड्स में नहीं देना, नहीं, जो भी पेमेंट करना है कंपनी के अकाउंट में करना है। और कंपनी हिटैची कंपनी के बारे में आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं, हिटैची कंपनी कोई छोटी कंपनी नहीं है और इस तरह की एटीएम लगा के आप पैसे कमा सकते हैं। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस बिजनेस आइडिया के बारे में आपकी क्या राय है उसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। स्क्रीन पे पूरा नंबर मिल जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन में नंबर और एड्रेस मिल जाएगा, उस पर संपर्क करके आप अपने एरिया के बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।